इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है, जो आतंकवादी हमारे जवानों को एक एक करके टारगेट कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कब तक हम शहादत देते रहेंगे और खामोशी से बैठे नहीं रहेंगे? हमारे को जवाब देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और अब सरकार को वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारे जवान जाबाज सपूतों की शहादत, 5 शहीद पहले हुए, आज एक और शहादत हुई। राजस्थान की माटी ने आजादी के बाद और आजादी के पहले शहादतों की जो एक कुर्बानियों की जो गाथा लिखी है वो किसी से छुपी नहीं है। ये वीरों की धरती है। देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको, और उन्हीं की वजह से आज पूरा देश अपने आप को महफूज महसूस करता है। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। और आज हम यहाँ सब लोग जो शहीद श्योराम जी के अंतिम संस्कार में हैं, ये शपथ लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पूरे देश की जनता उद्वेलित है, एक आक्रोश है पूरे देश के अंदर, और इस आक्रोश को केंद्र सरकार को समझना होगा और जवाब देना होगा पाकिस्तान को।